नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। सरहद पर 5 नागरिकों की हत्या के बाद भारत का रुख सख्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए गए। बीती रात इसका असर भी दिखा। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग तो जारी रही, लेकिन इसमें कल के मुकाबले कमी रही। आज पाकिस्तानी फायरिंग में एक बच्चा समेत 5 लोग घायल हो गए। अब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए, कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। अब सब्र की सीमा खत्म हो रही है। जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पॉन्स या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए अब और याचना नहीं। अब मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने हर हदें पार कर दी। अब सरहद पर मासूमों को मारा जा रहा है, रिहायशी इलाकों में खून बहाया जा रहा है। अब सहने की सीमा कहां रही? अब तो वो होगा जो हिंदुस्तान के वश में है। सूत्रों के मुताबिक बटालियन कमांडर्स को आदेश दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दें। बकरीद के दिन 5 नागरिकों की मौत के बाद भारत का रुख और भी सख्त हो गया है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है, और हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पॉन्स या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। सफेद झंडा नहीं, अब गोलियां चलेंगी। इस बयान के साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तो पहले ही कड़े संकेत दे दिए थे, अब उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और उसे हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। सोमवार रात भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रहीं। पाकिस्तानी रेंजरों ने रात 9 बजे से लगातार फायरिंग की। जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की 25 चौकियों को निशाना बनाया गया। इनमें अर्निया, आरएसपुरा, अखनूर, पिट्टल और टेंट गार्ड शामिल हैं। बकरीद की रात तो पाकिस्तान ने सारी हदें ही पार कर दी थी। खूनी भेड़िया बनकर पाकिस्तानी सेना ने 81 मोर्टार दागे, जिनमें ज्यादातर रिहायशी इलाकों में गिरे। इस कायराना करतूत में 5 बेगुनाह जिंदगियां खत्म हो गईं। इनमें 2 महिलाएं मारी गईं और 13 साल की एक मासूम बच्ची खत्म हो गई। 35 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। किसी के पैर उड़ गए तो किसी का जिस्म छलनी हो गया। इस वक्त मैं बात पाक सीमा पर माशिये दे कोठे पर, जो एक छोटा सा गांव है, एक हैमलेट है, वहां पर आया हूं। यही इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा फायरिंग की है, और इस जो छोटा सा कंपाउंड है आप देख रहे हैं कि ये इसमें 3 लोग रहते हैं, 3 परिवार रहते हैं, और इनका जो सबसे बड़ा भाई है पुरुषोत्तम लाल है, आप देख रहे हैं कि उसके साथ जो राजेश कुमार है, पुरुषोत्तम लाल भी खत्म हो चुका है, राजेश कुमार भी खत्म हो चुका है। सरहद से सटे गांवों के कई घर मलबे में तब्दील हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग जो रविवार रात को शुरू हुई वो अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक जारी रही। आखिर अब कब तक सहे लोग? डर के साए में रहने की भी एक हद है। बातचीत कितने बार करनी है? बातचीत से कोई हल निकला आज तक? ये गांव वालों को नवशहर में शिफ्ट करो और उनका मुंह तोड़ जवाब दो, कड़ा सा मुकाबला हो जाए ताकि टिट फॉर टैट के सिचुएशन बन जाए। मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की गुस्ताखी कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। अक्टूबर में ही पाकिस्तानी सेना ने 10 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पिछले 3 महीनों में 100 से ज्यादा बार सीज फायर की सीमा लांघी गई। 6 अक्टूबर पाकिस्तानी सेना ने 5 नागरिकों को मार डाला। 5 अक्टूबर पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में कई मोर्टार दागे। 4 अक्टूबर आरएसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागे, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 3 अक्टूबर
कश्मीर घाटी के गुलमर्ग सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने 4 बार सीज फायर तोड़ा। फायरिंग में एक बच्ची की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। 23 सितंबर और 1 अक्टूबर पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़कर बड़े पैमाने पर गोला बारूद बरसाया था। जाहिर है पाकिस्तान ऐसे नहीं मानेगा, बातों से तो कतई नहीं, अब उसे सबक सिखाने की दरकार है। ऐसा सबक ताकि सरहद पर शांति रहे, लोग सुकून की जिंदगी जी सकें। जम्मू से अश्वनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान पहले सीजफायर का उल्लंघन करता है और फिर भारत पर ही तोहमत लगाते हुए शोर मचाने लगता है, यानी चोरी भी सीना जोरी भी। दरअसल बार बार पिटने वाला पाकिस्तान छद्म युद्ध में लगा हुआ है, सरहद पर फायरिंग करता है और इसकी आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराता है। आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान, क्यों उकसाने वाली हरकतें कर रहा है, क्यों भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर रहा है, क्यों रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है। दरअसल हिंदुस्तान के हाथों 4 बार पिट चुका पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस नहीं दिखा सकता। वो जानता है कि इस बार जंग की नौबत आई तो उसका नामो निशा मिट जाएगा, इसीलिए वो छद्म युद्ध कर रहा है। पाकिस्तान का नापाक इरादा सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में आतंकवादियों को भारत में घुसाना होता है। पाकिस्तान की हकीकत भी यही है, मौजूदा फायरिंग का नापाक मकसद भी यही है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकवादियों के घुसने की आशंका जताई है। सेना के जवान सीमा से सटे जंगलों में तलाशी अभियान में जुट गए हैं। 5 और 6 अक्टूबर की रात भी सेना के जवानों ने तंगधार में एलओसी के पास कुछ हरकतें देखी थी। जब उन्हें चुनौती दी गई तो फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में 3 घुसपैठिए मारे गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। महीने भर पहले ही जम्मू के संवेदनशील पल्लनवाला सेक्टर के पास 150 मीटर लंबी सुरंग मिली थी। ये सुरंग पाकिस्तान की ओर से शुरू हुई थी, जो जमीन से करीब 20 फीट नीचे थी। इसकी ऊंचाई 4 फीट थी। जाहिर है पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना इस सुरंग का बनना नामुमकिन था। इसका मकसद भी जग जाहिर है, आतंकियों को सीमा पार भेजना। पाकिस्तान के नापाक इरादों पर प्रधानमंत्री भी चिंता जता चुके हैं। आज युद्ध सीमा पर होते करीब करीब बंद, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला रहा है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। अपने छद्म युद्ध को अंजाम देने के लिए ही पाकिस्तान ठंड से ठीक पहले घुसपैठ के लिए पूरा जोर लगा देता है, क्योंकि ठंड में बर्फबारी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता। दिल्ली से शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। तो लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, किन इलाकों में, इन जगहों पर जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं जो लगातार शेलिंग कर रही हैं, ये वो इलाका है भारत का जहां पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास अखनूर, आरएसपुरा और अर्निया, ये जम्मू के ये 3 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा शेलिंग हुई है पिछले 10 दिनों में। पाकिस्तान की कायराना हरकतों से सरहद से लगे गांव के लोग खौफजदा हैं। डर का आलम यह है कि लोग सामान समेटने लगे हैं, सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगे हैं।
जब जिंदगी पर बनाई तो जमीन से कटने का खतरा भी पैदा हो गया। आखिर कब तक खौफ में रहे लोग? हर वक्त यही डर सताता है कि न जाने कहां से कोई गोली आ जाए। पाकिस्तानी फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने से जम्मू के अर्निया सेक्टर में डर का माहौल है। सीमा से सटे गांवों में लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। अब लोग इस खौफ से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां से पलायन भी शुरू कर दिया है, बस जरूरत का सामान लिया और रिश्तेदारों का रुख कर लिया, जिसे जो मिला उसी साधन पर सवार हो लिया। कोई परिवार ट्रैक्टर पर निकल पड़ा तो किसी ने ट्रॉली की सवारी कर ली। हम जम्मू में जा रहे हैं, यहाँ का माहौल खराब है, उसी की वजह से जा रहे हैं यहाँ से। वापस का कुछ नहीं कह सकते हम, जब तक यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता ना, मसला कोई नहीं होता, तब तक हम नहीं आएंगे। जम्मू से लगे करीब 200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर आजकल यही हाल है। सांबा, अखनूर, अर्निया, रणवीर सिंहपुरा और परगवाल इलाकों से ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। अपने मामू के घर जा रहे हैं, अभी तो कुछ ठिकाना नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम अपने मामू के घर जा रहे हैं। तो कब जब कोई ठिकाना मिलेगा हमको तो हम वहाँ पे आ जाएंगे फिर। हाँ, खतरा बहुत है सर यहाँ। इन इलाकों में जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई है। जो जा रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो कब लौटेंगे और कब हालात बेहतर होंगे। आज तो सभी गांव खाली हो जाएंगे, अर्निया खाली हो जाएगा, इधर त्रेवा वो भी अलग, पास में जितने भी गांव हैं वो खाली हो जाएंगे आज, क्योंकि जो रात को जो बम पड़े हैं ना, कम से कम 30-40 बम जो पड़ चुके हैं, जो काफ़ी नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार को भी अपनी जनता की चिंता सता रही है। सरकार ने फैसला किया है कि फायरिंग की जद वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया जाएगा और जब तक पाकिस्तान की नापाक करतूतें जारी रहती हैं, लोगों को सरकारी स्कूलों, बिल्डिंगों और ऑफिसों में रखा जाएगा। There is a need to construct some sort of alternate accommodation that can be used for emergency evacuation. At the moment, I have asked the divisional governor as well as the DC and others to find alternate places. Schools have been identified, banquet halls have been identified. Suitable evacuation will take place in the nights so that these sort of casualties can be avoided. हालात ये हैं कि कई सरहदी गांवों में तो सिर्फ पुरुष ही बचे हैं। गांव के सारे बच्चे और महिलाएं अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं और लोग घरों की रखवाली में रुके हुए हैं। उन्हें हर वक्त खौफ के साए में रहना पड़ रहा है, वो बस चार दीवारी के भीतर दुबके रहते हैं। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।